चीफ जस्टिस ने एक सवाल जो है सरकार से पूछा था कि क्या आप इन्हें जो है क्या ये सारी क्षमताएं अपनी रखते हैं, योग्यताएं रखते हैं परमानेंट होने के लिए, राज्यकर्मी शिक्षक होने के लिए, और वहां पर जाके सुनवाई रुकी थी। एक ऐसा मुद्दा यहां पे आ गया था, आर्टिकल जो है 243 जी के द्वारा बनाए गए नियम को आर्टिकल 309 से रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया है। यहाँ पर अलवर कोर्ट ने कहा कि ये संवैधानिक दायरे से बाहर जाता है। तमाम कार्रवाइयाँ जो हुई हैं इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मिर्च मसाला लगा के आपको जरूर देंगे, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। मैं आपको सिर्फ सत्य बताऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि आज सरकार का पक्ष सुना नहीं गया, सरकार की सुनवाई आज कोर्ट में हुई ही नहीं है। सरकार के वकील आज शांत थे, महाधिवक्ता पीके राई सर, क्योंकि आज आप लोगों की बात आप लोगों के वकीलों के द्वारा उठाई जाती है, जिसमें केरला के पूर्व चीफ जस्टिस केरला के जस्टिस और मतलब पूर्व जस्टिस और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने आपका पक्ष रखा। साथ ही पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ताओं ने आपका पक्ष रखा और लगातार आपकी ही बात हुई है, ना कि सरकार ने आज अपना कोई बात रखा है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बताई गई कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको जो भी चीज़ें हैं ना वो फैक्ट बाई फैक्ट बताऊँगा। तो मैं माफ कीजिएगा किसी को सही लगे या किसी को गलत लगे, लेकिन मेरा एज रिपोर्ट अभी काम है आप सत्य जान लीजिए क्या क्या कार्रवाई हुई। हालांकि मैं ये जरूर कहूँगा कि आज आपका दिन था, आपका पक्ष था और काफ़ी मजबूती से आपकी बातें वो रखी गई हैं कोर्ट के अंदर अनवर चीफ जस्टिस के सामने, जिससे कि आपके लिए एक बड़ी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये जो परीक्षा आप लोगों ने दी है इसका या ये परीक्षा ही बेकार हो जाए आपके लिए, मतलब ये देना ही आपके लिए बेकार हो जाए, कोई मतलब ही ना बचे इसका, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कोर्ट में आज बातें चल रही थी। चलिए वन बाई वन करके बात करते हैं। एक जरूर बात करूँगा, चैनल पर नए या पुराने साथी हैं सब्सक्राइब नहीं किए करके जुड़े रहिएगा, आपको जानकारी हमेशा सही मिलेगी। देखिए यहाँ पर आज का जो डे था ये आप लोगों के लिए था, नियोजित शिक्षकों के पक्ष से आर्ग्यूमेंट्स पहले रखे गए, बाद में सरकार क्लोज करना था। हाँ, बीच में आपको मैं बताऊं कि आप लोगों के सबसे सुपीरियर अधिकारी पाठक सर भी आए थे, वो साई सर के बगल में बैठे, थोड़ी देर बात बात किए, कुछ चीज़ें उन्होंने ट्रांसफ़र करी, वो बातें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो दोनों लोगों के बीच में हुई थी, लेकिन उसके बाद वो चले गए थे, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर रुके नहीं थे। आप लोगों के लिए जो आज बातें शुरू हुई तो वो आपके शिक्षा नीति से लेकर के 2003 तक, फिर आपने देखिए सरकार ने चित्र में ये कहा गया आप लोगों के द्वारा, मतलब यहाँ नियोजित शिक्षकों के द्वारा ये कहा गया कि देखिए समय समय पर हमारे अंदर बहुत सारे नियमावलियों में बदलाव किया गया है, हर बार हमें मतलब एक हम नौकरी कर रहे हैं सरकारी है, उसके बावजूद भी हमें जो है समय समय पर नए नए नियम लाला के जैसा कि कहीं नहीं होता है, एक नौकरी में आने के बाद भी ये करो वो करो, आपको ये सारी चीज़ें बताएगी कि पहले मैट्रिक रखा गया, फिर इंटर किया गया, फिर 45% की बाध्यता ला दी गई, फिर 2015 में दक्षता परीक्षा लेके आया गया, फिर 2014 में जो है दो अटैम्प्ट किया गया, 2014 में दो साल कर दिया गया एक्सपीरियंस जो 8 साल पे होना था, फिर 2015 में दक्षता परीक्षा को 3 अटैम्प्ट में किया गया। मतलब ये कोर्ट को ये कन्वे करने की कोशिश की गई है कि देखिए शुरू से लेकर आज तक ये लोग लगातार हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे नहीं रहे और अलग अलग जो है नियम ला के हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिससे कि हमें अपनी कार्यवाहन करने में भी दिक्कत हो रही है। सरकार ने सिर्फ एक ही बात कहा था कि अभी ये पंचायत शिक्षक के तौर पर हैं और अब हम इन्हें राज्यकर्मी के दर्जे में लाना चाहते हैं, उस पेरोल पे लाना चाहते हैं, इसलिए हम इन्हें एक एग्जाम के जरिए अपने रोल में लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया, कहा है कि हम इसको जब पूरा सुन लेंगे तब आपके बात पर सहमति या असहमति देंगे। यहाँ पर एक और बड़ी चीज पे मुद्दा आया है, देखिए सुनवाई काफी लंबी हुई है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में सुनवाई हुई है, क्योंकि मामला काफी ज्यादा था और आज भी मैं आपको बताऊं कि आज भी सुनवाई पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई, सुनवाई इतनी लंबी थी, फाइल 258 पन्ने की जो आपकी जो है सरकार के द्वारा एफिडेविट दी गई थी, जिस एफिडेविट को मैंने आपको कहा था बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको पब्लिक कर दीजिए, साथ 258 पन्ने की जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों के बीच में और वो भी सरकार का एफिडेविट है मैं कैसे पब्लिक कर सकता हूँ, उसमें एक चीज उन्होंने जो आपके काम की है वो मैं आपको बताया, तमाम चीजों का उन्होंने उस एफिडेविट में दिया है, सारी बातें बताई हैं, अपनी मजबूरियां बताई हैं कि हम क्यों इनको डायरेक्ट परमानेंट नहीं कर सकते हैं, इनकी योग्यता को लेकर के डीएलएड जो आपके लिए कराया गया था बीच में कि डीएलएड इंट्रोड्यूस कराया गया था डीएलएड के लिए, फिर इग्नू के साथ जो आपका टाइप हुआ था, तो सारी चीज़ें एफिडेविट में उन्होंने डाली हैं, लेकिन आपके काम की उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है पीआर पर शिक्षक नहीं बनते हैं, जिसे बाद में 5 अटेम्प्ट किया गया तो इन्हें जो है इनको जो है निकाल दिया जाए नौकरी से, इसको एफिडेविट में उन्होंने दे दिया कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे, ये नियोजित बने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जो मामले थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनवल चीफ जस्टिस ने अनवल कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि भाई आपने जो नियमावली अभी जो नई लाई है इसमें प्रॉपर नियमों का पालन ही नहीं किया गया है,
आर्टिकल 243 जी के प्रावधानों को आप आर्टिकल 309 से जो है रिवर्स कर ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, जबकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। तो जहाँ पर संविधानिक नियमावली स्टक इसी ग्राउंड पे हो जाएगी कि आपने जो है प्रॉपर संविधानिक नियमों का पालन नहीं किया है। और एक और चीज़ कि जुडिशियल पावर को इन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव पावर में भी कन्वर्ट किया, जुडिशियल को एग्जीक्यूटिव ये अपनी तरफ से ही दे रहे हैं, जो आपके IDD वाला जो है IDD को जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर के भी कोर्ट कहीं ना कहीं कंसर्न में थी कि कई मामलों में IDD जो है वो खुद पार्टी होती है और पार्टी को ही आप मतलब आप ही जज और आप ही याची दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती, तो आप कैसे उन्हीं को पावर दे सकते हैं कि वो अपना फैसला खुद ही कर लें। तो ये जो नियमावली के तमाम लूप होल्स है माइन्यूट ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा गया। और इसके बाद कोर्ट ने जो है पूरी सुनवाई करते करते 4 बज गया, आपका टाइम आपको पता है कि कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है, तो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अब इस मामले को हम विस्तृत रूप से आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे भी सुनेंगे, आज डेट डिसाइड नहीं करा है। तो ये आपके पूरे कुल सुनवाई का सारांश है। इसमें दो चीज़ें जो मैं आपको इंडिकेट करके बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें रिप्लिकेट हो रही हैं। पहला तो ये रिप्लिकेट हो रही है कि आज के दिन से ऑनरेबल को थोड़ा सा ये कन्विंस होने के लिए, हालांकि सरकार का पक्ष सुने बिना अगर आप लोग आज ये कह दें और आपके शिक्षक संगठन ये कहें कि आप जीत रहे हैं, आप जीत गए, आपकी जीत हो गई, आपकी सब कुछ हो गया आपका, तो ये गलत होगा, क्योंकि सरकार ने जो एफिडेविट 258 पन्ने की दी उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी। देखिए सर्टिफिकेट्स में गड़बड़ी थी, हमारे पास उस टाइम इतनी बढ़िया प्रक्रिया नहीं थी कि हम पकड़ पाएँ बहुत से टीचरों को, हमने बाद में उन्हें बाहर किया, उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए, उनकी बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में एफिडेविट में सरकार ने दी, तो उसका पक्ष भी जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसके बाद ही कोर्ट फैसला लेगा ना। तो अभी से जो चीज़ें हो रही हैं कि आप जीत रहे, अभी मैं अपने स्तर पर ये कह सकता हूँ कि आज की सुनवाई से और कल की सुनवाई से मैं बस इतना कश्योर हूँ कि ये जो है आपकी नियोजित शिक्षक जो है, आप जो हैं 3 अटेम्प्ट के बाद जो आपकी नौकरी निकालने की बात है, इससे आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ ये सब आप बेसब्री से जानना चाहते थे, तो पूरा अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बताइए कि क्या कुछ हुआ है पटना हाई कोर्ट में और आगे अब क्या कुछ होने वाला है। कल का दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारी निगाहें इसी पे टिकी होंगी। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और पर्पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।